कोरोना वायरस से अछूते बाड़मेर जिले में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जिले के सेडवा क्षेत्र के गांव में कार्यरत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरे जिले को सहमा दिया है। दरअसल यह प्रिंसिपल लॉकडाउन के दौरान ही कुछ दिन पहले सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने गृह जिले जयपुर गया। वहां 3 दिन रहने के बाद निजी वाहन से कई जिलों की चेकपोस्ट को चकमा देकर बाड़मेर पहुंच गया। जब इसकी सूचना गांव में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को लगी तो उसने उसे जांच करवाने के लिए बोला, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे भला बुरा कहा। इसके बाद नर्स ने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी। जिला प्रशासन ने प्रिंसिपल की कोरोना की जांच करवाई, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यही नहीं, उसके साथ 3 अन्य लोग भी थे जिनकी भी जांच करवाई गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जैसे ही प्रिंसिपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन मरीज के गांव पहुंच गया। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने पूरे गांव को स्क्रीनिंग करने की शुरुआत कर दी है। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रिंसिपल ने लापरवाही की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अब जिले में कोई भी बाहर का व्यक्ति दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। जिले में आज जो किटनूरिया ग्राम पंचायत में जो पहला पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ है, उसके संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है, हमने रात को 12 बजे ही गांव में कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए थे। उसकी पालना में पूरे गांव को, ग्राम पंचायत के राजस्व क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया गया है और वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। किसी भी सूरत में गांव के किसी भी आमजन को बाहर निकलने की अनुमति प्रदत्त नहीं की गई है। पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है, घर घर स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति अब्दुल रहमान, जो किटनूरिया ग्राम की सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल था, उसने किन किन व्यक्तियों से इस बीच में उसकी मुलाकात हुई है, उससे मिलने वाले व्यक्ति और कहां कहां जाकर के मिल रहे हैं, इसकी सघनता से। अब खबर जालौर के सांचौर से है, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम